कि किसको सीटी एंजियोग्राफी कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। देखिए, हार्ट की बीमारी आजकल फैलते जा रही है और पता चलता है एकदम लास्ट मोमेंट में, जब या तो हार्ट अटैक हो जाए या तो ब्लॉकेज 70 80 90 तक पहुंच जाए, जब हार्ट के पेशेंट को चलने में दिक्कत होने, एंजाइना आने लगे, तब पता चलता है। पर सीटी एंजियोग्राफी एक ऐसी टेस्ट है, कोई भी आदमी कभी भी करा के अपनी ब्लॉकेज को देख सकता है। पर इसका मतलब नहीं है कि सबको करा लेना चाहिए। कराने के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सी रूल बना के रखी है कि किनको किनको कराना है। देखिए, एक हर आदमी को हम लोग बोलते हैं 30 साल की उम्र हो जाए तो एक लिपिड प्रोफाइल कराइए। अगर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है, ज़्यादा का मतलब है कोलेस्ट्रॉल अगर 200 के आसपास हो और ट्राइग्लिसराइड अगर 160-170 से ज़्यादा हो, तो आपका सीटी एंजियोग्राफी बनता है, तो फिर आपको सीटी एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। एक कोई का फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, जिसके मदर फादर या कोई चाचा ताऊ या मामा की तरफ से कोई को हार्ट की बीमारी हुई हुई हो, तो वो जेनेटिकली एक प्रोन होता है हार्ट की बीमारी डेवलप करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं आप फिर से लिपिड प्रोफाइल जरूर कराओ, और लिपिड में थोड़ा भी ज़्यादा मिले तो आप सीटी एंजियोग्राफी करा लो। और तीसरा है जिनकी हाई ब्लड प्रेशर है बहुत साल से शुगर है, या जो मोटापा है जिनके पास, जो स्मोकिंग करते हो, ये जो बोलते हैं ब्लॉकेज के रिस्क फैक्टर्स है, उनको भी कराना चाहिए सीटी एंजियोग्राफी। कोई की ब्लड प्रेशर बहुत साल से है तो उनका भी ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सीटी एंजियोग्राफी इंडिकेशन है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से ब्लॉकेज बनती है। और जिसका शुगर है और अनकंट्रोल्ड शुगर है, कम से कम 8-10 साल का शुगर है, तो फिर ये सीटी एंजियोग्राफी बनता है। तो ये सीटी एंजियोग्राफी आजकल हर सिटी में होने लग गई है। सावल के जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ पर अगर आप जाते हैं और वहाँ से एक प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं, तो ये सीटी एंजियोग्राफी का कॉस्ट आधा हो जाता है। क्यों आधा होता है आपको मालूम है? आज के ज़माने में हर एंजियोग्राफी सीटी एंजियोग्राफी के डॉक्टर्स होते हैं या जो यूनिट्स होते हैं, वो सब डॉक्टर को कुछ ना कुछ पे करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि काम करो, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी जो कमीशन बनती है या जो भी आप देते हो कभी इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो हमारे पेशेंट को पास ऑन कर दो, तो पेशेंट को मिल जाता है डिस्काउंट। तो ये जो सीटी एंजियोग्राफी होती है, ये आज के ज़माने में 7,000-8,000 तक हो जाती है, जबकि इसके नॉर्मल रेट 10,000-15,000 तक होती है। दिल्ली में 15,000 की रेट होती है और हमारे प्रिस्क्रिप्शन के संग 7,000 में हो जाती है। कलकत्ता में 6,000, बेंगलोर में 6,500, मुंबई में 7,500। तो ये सीटी एंजियोग्राफी आज करीब करीब आधे दाम में किया जा सकता है, और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप जाइए, लेटिए टेबल के ऊपर, वो 2 मिनट में आपका एक्सरे कर देंगे, एक इंजेक्शन दिया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा और आपकी कितनी ब्लॉकेज है पता चल जाएगा। तो आप सीटी एंजियोग्राफी जरूर कराएं। हार्ट की बीमारी को अगर आप रोकना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो सीटी एंजियोग्राफी कराते ही पता चल जाएगा हमारी ब्लॉकेज कितनी है। और अगर ब्लॉकेज 70 से आसपास है तो आप हार्ट के पेशेंट बन गए, और अगर 10-20 है तो कम से कम 5-10 साल आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्लिनिक में ये प्रेस्क्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगी सीटी एंजियोग्राफी का, और आप करवा के अपने को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।